यहाँ पे इंक का ज़रूरत है, बट इधर इंक का ज़रूरत नहीं है, तो ये वाला पिन को थोड़ा ऊपर रखना है और ये राइट वाला पिन को धीरे धीरे चलाना है। तो इसी तरह हमें बनाते जाना है धीरे धीरे। आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट के लिए मैंने ये वाला ट्यूटोरियल स्केच बनाया हूँ। अगर आप सीखना चाहते हो कि मैं कैसे बनाता हूँ तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना, स्किप मत करना। अगर आप बिगिनर्स हो पेंसिल यूज़ करना, इसी तरह एक डंडी में दोनों पेंसिल को जुड़ के आप बनाना, क्योंकि अगर गलतियाँ हो जाएगा तो आप फिर से उसको इरेज कर पाओगे। बिगिनर्स के लिए मेरा एक ही सलाह है कि आप लोग पहले आउटलाइन बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आउटलाइन बना के बनाओगी तो गलतियाँ कम होगा। इसीलिए बिगिनर्स के लिए आउटलाइन बना लेना ही बेहतर होगा। वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व करिए कि मैं कैसे बना रहा हूँ। दोनों पेन को एक साथ चलाना मुश्किल काम तो है, बट नामुमकिन भी नहीं है। मुझसे जब हो रहा है तो आप भी बना पाओगे। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना और अच्छे से ऑब्जर्व करना कि मैं बना कैसे रहा हूँ। तरह आपको बनाते जाना है। कभी कभी वीडियो को फास्ट किया हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, तब आप खुद भी नहीं देखोगे। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे ऑब्जर्व कर कर के बनाना है। आपको तो पहले आउटलाइन बना लेना होगा, क्योंकि आप बिगिनर्स हो तो आपके लिए ये सही होगा कि आप पहले आउटलाइन बना लीजिए, उसके बाद बनाओगी तो गलतियाँ कम होगा। पूरा धीरे धीरे बनाना है, आप जितना टाइम दोगे उतना अच्छा बनेगा। देखिए बनाते टाइम हर जगह इंक का ज़रूरत नहीं है, ये वाला पार्ट पे अब इंक का ज़रूरत नहीं है, तो ये वाला पेन को हमें थोड़ा ऊपर रखना है, फिर आगे बढ़ते जाना है। अब इंक का जरूरत नहीं है, तो ये वाला पेन को थोड़ा ऊपर रखना है और लेफ्ट वाला पेन को चलाते जाना है, क्योंकि इधर अभी इंक का जरूरत है और राइट में इंक का जरूरत नहीं है, तो राइट वाला पेन को थोड़ा ऊपर रखना है। हर जगह तो इंक का जरूरत नहीं होता है, जहाँ पे जरूरत होगा वहाँ पे यूज करूंगा, जहाँ पे दोनों तरफ इंक का जरूरत होगा वहाँ पे दोनों तरफ ही पेन को चलाते जाना है। तो इसी तरह हम बनाते जाएंगे। When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up. अब दोनों तरफ इंक का जरूरत नहीं है, तो पेन को यूज नहीं करना है, धीरे से आगे चले जाना है। फिर से देखिए
लेफ्ट में इंक का ज़रूरत है बट राइट में इंक का ज़रूरत नहीं है, तो राइट वाला पेन को मुझे यूज़ नहीं करना, थोड़ा ऊपर रखना है और लेफ्ट वाला पेन को यूज़ करना है। जब दोनों तरफ फिर से इंक का ज़रूरत होगा तो दोनों पेन को फिर से एक साथ चलाना स्टार्ट कर दूँगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ पे शेडिंग की ज़रूरत है वहाँ पे पेन को स्मूथली यूज़ करना है। अब यहाँ पे शेडिंग की ज़रूरत है बट इधर नहीं है, तो ये वाला पेन को थोड़ा ऊपर रखना है। फिर से जब दोनों तरफ इंक का ज़रूरत होगा तो दोनों पेन को एक साथ यूज़ करना है। तो इसी तरह आप बनाते जाइए। आप अगर पहले बना रही हो तो गलतियाँ तो होगा ही, गलतियाँ होगा तब आप सीख पाओगे। तो इसी तरह आप बनाते जाइए। वीडियो को थोड़ा फास्ट करना पड़ा, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तब कोई देखेगा नहीं।